हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब ठीक ठाक है ना? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का फोर्थ पार्ट. पार्ट फोर हम स्टार्ट करने वाले हैं. और अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हेनरी मॉजली, न्यूलैंड ये सब क्या दे चुके हैं, ये सब हमें क्या दे चुके हैं, एक पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं. और हेनरी मॉजली जो है वो ये बोले कि एटॉमिक मास जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है. तो क्या है भाई? एटॉमिक नंबर है. ये कौन बोले है हमें? हेनरी मॉजली ने बोले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस, माई सेल्फ उत्कलिका. तो आज हमारा टॉपिक क्या है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. चलिए भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स. तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? ये किस किस बेसिस में ये सब जो अरेंजमेंट हुआ है, देखो भाई एलिमेंट्स हैं, राइट? एलिमेंट्स है. अगर ये एलिमेंट वन, ये एलिमेंट टू, ऐसा है, कुछ है एलिमेंट्स. तो ये जो एलिमेंट्स है उनका कुछ कैरेक्टर्स तो होगा ना. जैसे कि क्या है, सोच लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब उनका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे एटम में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक और कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स का. जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब होता है कुछ कुछ कैरेक्टर्स. और ये सब कैरेक्टर्स जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है. तो देखो, इन इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एटम में, राइट? ये याद रखना है. और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे सब कैरेक्टर्स हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा, द प्रॉपर्टीज विच शो ग्रेजुअल वेरिएशन इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड एंड दे रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ये हम पढ़ चुके हैं. वो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, या फिर क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, राइट? पीरियोडिसिटी, जो भी रिपीट हो रहा है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना. जैसे कि न्यूलैंड बोले थे 1, 2, 3, 4 को लेके 7 तक, चलो फिर 8 नंबर क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर से रेप्लिकेट कर रहा है कैरेक्टर्स. वैसे ही क्या है, जो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अगर क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिपीटेशंस हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. चलिए फिर देखो, फर्स्ट हमारा टॉपिक वैलेंसी है. सेकंड एटॉमिक साइज, थर्ड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एंड फोर्थ आयनेशन एनर्जी, ये सब है. पर अभी के लिए हमें बस क्या क्या पढ़ना है भाई? वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में, ये दोनों में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने का. वो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना. सोच लो, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सी ई आ रहा है लास्ट को, देखो ये तो हो गया एक वैलेंसी, राइट? और एक हो गया वैलेंस, राइट? ये अगर सी ई लास्ट को आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट सेल. इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं. ये अगर लास्ट को सी ई आ रहा है, और वैलेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर वाई आ रहा है तो ये क्या है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लूज करेगा या फिर डोनेट करेगा, उसका कैपेसिटी, उसका एबिलिटी, उसको उस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लस वन है या फिर माइनस वन है, प्लस टू है या फिर माइनस टू है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने का, राइट? तो सोचो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या बोलते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. ये सोच लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं। इसका क्या है, थ्री, इसका एटॉमिक नंबर बोल रही हूँ, हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, इनके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो अरेंज किए, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो अरेंज कर रहे हैं वो, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 1, इसका 2, 2, 2, 3, ऐसे करके 2, 6, 2, 7, राइट, फ्लोरीन का, राइट। फिर क्या आ जाता है भाई, नियॉन, नियॉन का क्या आ जाता है, 2, 8, राइट, 2, 8, नियॉन मतलब क्या हो गया भाई, इनर्ट गैसेस हो गए, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप फैमिली ऐसे बोलते हैं, जो कि इनएक्टिव, दे आर केमिकली इनएक्टिव, राइट। ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, याद रखना है हमें, ओके चलो। तो ये देखो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये देखो जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिख रही हूँ, देखो कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, सपोज सोडियम का मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2, 8, 1, ये जो जब मैं लिख रही हूँ, ये फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल को, क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेल को, ये सेकंड नंबर सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये थर्ड थर्ड सेल को। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, और ये थर्ड सेल हो गया, ओके गॉट इट। चलो देखो भाई, अगर सेल ऐसा है, देखो अभी से हमें पता चल जाएगा, सेल सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड्स को, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, पीरियड्स को। अगर हमें सेल कितना है पता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। वैसे ही अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, क्या पता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। देखो भाई इजी है ना, अगर हमें सेल कितना पता है, तो हमें क्या पता है भाई, पीरियड्स कितने हैं पता है, और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो ग्रुप्स कैसे पता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का, क्लोरीन का, देखो इसका क्या है, 2, 8, 1 है वो, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोली, अगर अगर हमें सेल पता है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तीन सेल है ना, तो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, पता चल गया ना हमें पीरियड। चलो अगर ये वाला लास्ट, क्या बोली मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, 1 है, तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट ए ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप को बिलोंग करता है। वैसे ही देखो क्लोरीन का, 2, 8, 7 है, तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, मतलब क्या हो गया भाई, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, पता चल गया ना अभी। चलो भाई थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, वैसे ही क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, इट बिलोंग्स टू 7th ए ग्रुप। इजी है ना, देखो अभी जब भी एग्जाम में आएगा, तो कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप, ये तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो चलो ये हो गया, क्या ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट क्या है, ये जो वन है ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट सेल में 2, 3, 4, 5, ऐसे होके क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, 1 to 8 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, नहीं 1 to 8 तक इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, नहीं कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 8 तक इंक्रीज होगा, 8 के बाद वो नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएगा, 8 के बाद वो नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएगा। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, दैट इज फ्रॉम 1 to 8, दैट इज फ्रॉम 1 to 8। देखो ये थर्ड पीरियड है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इसका क्या है भाई, 11 है, 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो ऐसा कुछ है, अभी मैं बोली, चलो ये 2, 8, 1 है, 2, 8, 2 है, ऐसा करके 8 तक अरेंज किया गया है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट वाला सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाता है, इसका 1 आ जाता है, इसका 2 आ जाता है, वैसे करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ जाता है, राइट, 8 तक आ जाता है ना। नहीं तो ये सब क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी लास्ट सेल में प्रेजेंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट सेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। चलो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पेयर हैज वन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हर एक क्या में, पीरियड में, राइट, अगर हम ऐसे जाते हैं, पीरियड्स का मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, देखो पीरियड्स का मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे कुछ मूव कर रहे हैं, अगर ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्लॉक जो आएगा उन सभी का वैलेंस क्या होगा, 1 होगा, उन सभी का वैलेंस क्या होगा, 1 होगा। क्यों भाई 1 होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड द लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड has 8 valence electrons, अगर इसका 8 है तो इसके पूरे ग्रुप में लास्ट में कितना रहेगा, 8 ही तो रहेगा, क्योंकि देखो ये जो valence electron है, valence electron जो होता है ना, जो भी first में आता है ना, उस सारे का same होता है, down तक चलो same होता है, अगर period में जाओगे तो एक एक करके increase होगा, पर group में जाओगे तो क्या होगा, same रहेगा, okay, same रहेगा। So where last element helium has only 2 valence electrons, अभी देखो देखो ये वाला आ गया हमारा इनर ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट में क्या आ जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे आ जाता है ना, राइट। तो हीलियम का क्या है, 2 है, हीलियम का क्या है, 2 है, फिर भी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट ही बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ये बोलेंगे कि ये डुप्लेट फिल अप कर रहा है, और इसको ऑक्टेट बोलेंगे, इस सभी को ऑक्टेट बोलेंगे, नीचे तक जो भी है, इसको डुप्लेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी वो स्टेबल है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। चलो फिर, राइट, ये तो समझ में आ गया हमें। चलिए फिर नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें समझ में आ गया। ग्रुप 1 में अगर देखेंगे, ग्रुप 1 को अगर देखेंगे, सभी का वैलेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है लास्ट में ना, सभी का 1 ही तो आ रहा है, तो अगर 1 आ रहा है, अगर हम नीचे मूव करने वाले हैं, ग्रुप में अगर हम मूव करने वाले हैं, ये हमें पता चल जाता है कि उसका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जो भी ग्रुप हम जाते हैं, किसी भी ग्रुप के, ग्रुप का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम, याद है ना बच्चों, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, अगर किसी ग्रुप, ये सोच लो 1 है, ग्रुप 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी का क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 ही होगा। ग्रुप अगर 2 सोच लो, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में सभी का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। वैसे ही ग्रुप 7 सोच लो, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे स्टूडेंट्स, 7 रहेंगे, नीचे तक 7 ही रहेंगे। पीरियड्स में अगर जाते हो तो 1/1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इंक्रीज होता है, पर अगर ग्रुप्स में जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वो क्या रहते हैं भाई, सेम रहते हैं, याद रखना है हमें इसको, वो कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर हम पीरियड्स में जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके इंक्रीज होता है, वरस अगर ग्रुप्स में जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, सेम रहते हैं। सो ऑन मूविंग डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स रिमेन्स सेम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, देखो 1 ही है, राइट। चलो इतना तक समझ में आ गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है पीरियड्स में इंक्रीज होता है, ग्रुप्स में सेम रहता है। चलो सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम करेगा, ये अगर डोनेट कर रहा है ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, एक्सेप्ट तो कोई नहीं करेगा, इजंट इट, एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन उसको देना है तो वो क्या हो जाएगा, सपोज इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे,
ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कौन से करीब आ जाता है, नियॉन के करीब आ जाता है ना। नियॉन के जैसा मतलब नियॉन का जो कैरेक्टर है वैसे मतलब वो क्या हो जाएगा, केमिकल स्टेबल हो जाएगा भाई। केमिकल अगर स्टेबल हो गए हम और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। केमिकली अगर हम स्टेबल हो गए तो हम नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, राइट। चलो टू हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चलो द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहे हैं भाई। देखो द ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे जो है एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी सेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो मैं ये वाला बोली हूँ, देखो ग्रुप में क्या है 1 to 18 ग्रुप्स है, बीच वाले 3 से 12 अगर हम छोड़ देते हैं, 3 से 12 अगर हम छोड़ देते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, 1 और 2 ग्रुप पढ़ते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा, थर्ड ए ये आ गया हमारा 5th A। देखो भाई ये सोच लो, अभी देखो ग्रुप नंबर एलिमेंट्स की इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर सोच लो ये पीरियोडिक टेबल है, राइट, ये सपोज हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। देखो इधर तो ग्रुप 1A है 2A है, अगर A बोल रहे हो तुम, अगर A बोल रहे हो तो 1A 2A 3A ऐसे बोल सकते हो अप टू 8A ऐसे बोल सकते हो तुम। अगर 1, 2, 3, 4 बोल रहे हो, अगर इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे बोल रहे हो तो ये जो 3A है ना तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा 13th ग्रुप, और 4A को 14th ग्रुप, वैसे ही 8A को क्या बोलोगे 18th ग्रुप। बस 10 ऐड कर देने का है हमें, क्या ऐड करने का है हमें, 10 ऐड करने का। अगर 1, 2 हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर 3, 4 ऐसा नंबर्स आ रहे हैं अप टू 8 तो बस तुम्हें क्या करना है, 10 बस ऐड कर देना है तुम्हें, वैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा 13th ग्रुप हो जाएगा। अगर 13th ग्रुप बोल सकते हो या फिर रोमन लेटर में 3A बोल के लिख सकते हो, जो भी तुम्हें ईजी हो। चलो ऐसे ही हम बोले इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1 देन द ग्रुप नंबर इज 1, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 देन द ग्रुप नंबर इज 2 में आ जाता है ना, ये बोले। बट द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्लस 10। देखो भाई आ गया ना, ग्रुप 2 तक तो ठीक है, पर उसके बाद अगर होगा जैसे कि 3 to 8 अगर हम ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं प्लस 10 कर रहे हैं। जैसे कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 3 देन ग्रुप नंबर इज 3 + 10 दैट इज 13, 3 + 10 दैट इज 13। चलो वैसे ही द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4 तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14 ग्रुप नंबर हो जाएगा। वैसे ही लिखो लो 5, 6, 7, 8 जो भी होगा, 5, 6, 7, 8 अगर ग्रुप्स में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 15, 16, 17 वैसे होके आएंगे। जैसे कि देख लो 7th ग्रुप का क्या हो जाएगा 17th ग्रुप है, देखो 17th बोल सकते हो या फिर रोमन लेटर में 7A लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। बस इतना हमें पता होना चाहिए अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसका, सोच लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसका क्या है 7 है तो इट बिलोंग्स टू 7th ग्रुप, तो क्या लिखना पड़ेगा 7th ग्रुप नहीं लिख सकते, 7A लिख सकते हो या फिर 17 लिख सकते हो। 7 अगर लिख दोगे, वैसे ही अगर 7th लिख दोगे 7th ग्रुप, ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना ये छेड़खानी नहीं करने का हमें वो। चलो देयर इज हाउ अबाउट 1 एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में जितना होगा उतना नहीं होगा। चलो देखो हीलियम, हीलियम का क्या है 2 है, देखो हम पहले ये पढ़े हैं ये जो ग्रुप 18th में आता है, ग्रुप 18th में आता है या फिर 8A, बार बार लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है, तुम कहीं भी दिमाग में रख लो ये वाला पॉइंट।
अगर 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप है, फर्स्ट वाला तो हीलियम है, इसका तो 2 है, इसका 8 नहीं है, पर फिर भी वो क्या होता है, इनर्ट गैसेस में आता है, क्योंकि फर्स्ट सेल जो है वो क्या करता है, फर्स्ट सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखता है। ओके, याद रखना ये वाला पॉइंट। चलो फिर, ये एक्सेप्शन हो गया राइट, हीलियम का एक्सेप्शन। चलो भाई, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स। चलो अभी थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। चलो सोच लो, ये एलिमेंट एक्स है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखो भाई, जो हम सेल पढ़ते हैं ना, जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल, ऐसे बोल के सेल्स होता है। तो फर्स्ट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज के, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एज एल, थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एज एम, एंड सो ऑन। ऐसे चलो के एल टू स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है फर्स्ट सेल, किससे स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है, याद रखना का, वो के से स्टार्ट होता है। ये अमर आ गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट सेल में क्या आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 6। इधर से हमें क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है सोचो तो, क्या क्या क्वेश्चन, ये अच्छा, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, याद है ना, बोर्ड में एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। चलो इधर से हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कौन सा पीरियड पूछने वाला है, कौन सा ग्रुप पूछने वाला है, इसका वैलेंसी क्या पूछने वाला है। और देखो, चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर क्या होगा, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड सेल। देखो इससे हमें ये पता चल जाता है, अगर 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, 6 है राइट, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप या फिर 6th A ग्रुप। याद रखने का क्या, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। अगर 6 है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या देता है हमें, ग्रुप्स। चलो तो ग्रुप नंबर क्या आ गया हमारा, आंसर कितना आया, आंसर आ गया हमारा 6A या फिर 16th ग्रुप। चलो नाउ व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो जोर से बोलो, खुद से बोलो, 1 2 3 राइट। 3 है, 3 सेल है, तो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ओके, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एक्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट्स, तब से बोल रही हूँ, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, 5 मार्क्स इजीली। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, वैलेंसी क्या है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा राइट। तो अगर इसका सिक्स है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा ना, डोनेट करेगा, सोचो तो, एक्सेप्ट करेगा ना, डोनेट करेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, डोनेट होगा ना। नहीं भाई, क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्सेप्ट क्यों करने वाला है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 6 है, इसको क्या करना है, ऑक्टेट फिलअप करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बस क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको क्या करने के लिए, फिलअप करने के लिए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देख लो, अगर 1 2 3 होगा, अगर 1 2 3 होगा, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं राइट। 5 6 7th, ये क्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, याद रखना है हमें, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका वैलेंस क्या हो जाएगा, 6 है। इसका वैलेंस अगर 6 है, उसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका वैलेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी सोचो, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम किसको देते हैं,
तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव पर्सन हो जाता है ना, तो वैसे ही बैलेंस क्या हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा। वह -2, +2 कब होता, अगर वो डोनेट करता तो। -2 क्यों है, रीजन क्यों है भाई, -2 इसीलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ले रहा है, खुद से ले रहा है। नाउ इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल स्टूडेंट्स, अभी तक तुम्हें पता होना चाहिए कि ये -2 है और इधर 6 है। 6 है मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ले रहा है। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ले रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, नॉन मेटल हो जाएगा, क्योंकि मेटल को तो हमें पता है मेटल क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर जाता है वो क्या होता है, मेटल्स होता है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल होता है। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। ये 5 क्वेश्चन तुम आराम से एग्जाम में लिख के 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसे छोड़ के नहीं आने। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा नेक्स्ट, ये आंसर है स्टूडेंट्स, वो इसका वैलेंसी 6 है। अगर वैलेंसी 6 है तो वो क्या 16 ग्रुप को बिलोंग करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, द एलिमेंट एक्स हैज 3 इलेक्ट्रॉन सेल्स, हाँ 3 सेल है इसके पास, राइट, KLM, 3 सेल है, तो किसको, किस पीरियड को बिलोंग करेगा, 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं भाई, 6 है, राइट, सो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो सही आ रहा है मेरा आंसर्स, देखो मैं अगर बोल सकती हूँ, मैं अगर कर सकती हूँ ये आंसर्स, तुम भी कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, वैलेंसी ऑफ एक्स कितना होगा, राइट, अच्छा सॉरी, वैलेंसी ऑफ कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2, और कैसा वाला 2 होगा भाई, -2 होगा, वो -2। नाउ इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल, ऑब्वियसली नॉन मेटल बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। देखो सही हो गया ना हमारा, चलो नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ एन एलिमेंट एक्स इन, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है, एन एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 13, ग्रुप कितना है इसका, 13। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, हाफ हाफ पढ़ो, पूरा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, हाफ अगर पढ़ोगे तो उतने में आंसर सॉल्व करने लगो। देखो ये ग्रुप 13 बोल रहा है, ग्रुप 13 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 3, इतना लिख दो भाई। फिर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होगा भाई। देखो हमें पता है जो भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या देता है, उसका ऑक्साइड फॉर्म देता है, इजंट इट। ये क्या है भाई, 2, 8, 3 है। सोच लो, हम पीरियोडिक टेबल तो पढ़ चुके हैं। देखो सोडियम, सोडियम का कितना आता है, 11 आता है। मैग्नीशियम का कितना आता है, 12 आता है। फिर एल्यूमिनियम का कितना आता है, 13 आता है। तो हमें पता चल गया ये वाला जो पूछ रहा है एल्यूमिनियम पूछ रहा है, राइट, एल्यूमिनियम पूछ रहा है। और एल्यूमिनियम का लास्ट वाला कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्सीजन का सोच लो, ऑक्सीजन, राइट, ये कितना होता है, 2 और 6 होता है, 2 और 6 होता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और ये क्या करने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, राइट, ये 2 ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। पर ये 3 अगर देगा तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, वह ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, उसका कैपेसिटी नहीं है। पर फिर भी किस किस केस में होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम का एक ही एटम होगा, 2 एटम हो सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम का 2 एटम होगा, सोच लो एल्यूमिनियम का अगर 2 एटम लेंगे तो कितना दे सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। वैसे ऑक्सीजन का भी हमें क्या करना है, 6 लेना है। अगर ऑक्सीजन का सोच लो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 3, इसका भी 6 हो जाएगा। अभी समझ में आ गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऑक्साइड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Al2O3, एल्यूमिनियम 2 लेने का और ऑक्सीजन हमें 3 लेने का है भाई। चलो एक्स, अभी क्या बोला है, एक्स बोला है तुम्हें, एल्यूमिनियम नहीं बोला है, तो
जल मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट में ये ले ये नहीं लिखोगे कि Al2O3 हुआ, टीचर्स मार्क्स कार्ड देते हैं इधर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, एक्स बोला है तो X2O3 राइट। चलो कैसे पता चलेगा, अगर ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है तो ऑक्साइड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरफ ये वाला 3 आ जाएगा, 3 है ना लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा। ओके चलो फिर देखो सॉल्यूशन क्या है, इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स वी शुड नो इट्स वैलेंस, पता है हमें। चलो द वैलेंस ऑफ ग्रुप 13 इज क्या, 3 आ गया, वी ऑलरेडी नो दैट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, दिस गिव्स अस द फॉलोइंग कंक्लूजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, इसका 3 है। चलो एलिमेंट क्या है, एक्स है, एल्यूमिनियम नेम वो एक्स है, वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का पता है 2 है, सो सिंस द वैलेंस ऑफ एलिमेंट एक्स इज 3 एंड दैट ऑफ ओ इज 2, टू एटम्स ऑफ एक्स विल कंबाइन विद 3 एटम्स ऑफ ओ, मैं बोली ना 2 एटम्स ऑफ एक्स अगर लेंगे और 3 एटम्स ऑफ ओ अगर लेंगे, हमें क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से कॉम्बाइन कर सकते हैं टू फॉर्म एन ऑक्साइड X2O3, दस द फॉर्मूला इज X2O3। देखो ना भाई इजी है, वाह इजी है, पर तुम्हें क्या करना है, थोड़ा बहुत हमारा वीडियो देखना है भाई, वाह और कुछ नहीं, वीडियो देखो अच्छे से होगा। चलो वी नो दैट द एलिमेंट एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13, अभी देखो एल्यूमिनियम है ना द पीरियोडिक टेबल एंड हैज अ वैलेंसी ऑफ 3, सो द एलिमेंट एक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट इज क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एलिमेंट एक्स क्या है, एल्यूमिनियम है। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वैलेंसी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो वैलेंसी है कितना एक्सेप्ट करता है और कितना लूज करता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। चलो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी हमें कैसे पता चले, कैसे पता चलेगा, अगर उसका हमें क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो लेट्स कंसिडर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 पीरियड्स, फर्स्ट 3 पीरियड्स को अगर हम लेते हैं विद देयर एटॉमिक नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर लेते हैं, सोच लो देखो ये हाइड्रोजन है राइट, ये हीलियम है, इसके नीचे ही ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकेंड ए ग्रुप ऐसे लिखा गया है। चलो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन अप टू नियॉन, हमें क्या लेना है भाई, याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। ओके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है राइट, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हमें बता रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलेगा, वैलेंसी का पता चलेगा। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, अगर 1, 2, 3 ऐसा करके अगर प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं, अगर डोनेट करने वाले हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, +1, +2, +3 इसका ये बैलेंस हो गया। चलो ऐसे ही पढ़ते हैं, तो सोडियम क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मैग्नीशियम का 2, 3, 4, फॉस्फरस का 5, ये क्या, सल्फर का 6, क्लोरिन का 7, आर्गन का 8, ये क्या है भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। So, अभी क्या हुआ देखो, द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ सेल्स क्या इंडिकेट करता है, पीरियड। ओके चलो द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर हमें क्या बोलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये ग्रुप 1 है ना, वैलेंसी 1 है, ये 5th है ना, वैलेंस कितना है, 5 है, 6th ए है ना, तो वैलेंस कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है। चलो देखो फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कंटेन्स 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा भाई, 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ पे होंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे। टू बिकम स्टेबल इट इज इजियर फॉर देम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी सोच लो एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ला सकता ना, कौन देगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा,
राइट, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ला सकता, इसीलिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, राइट। वैसे ही अगर हम सोच लो, वैसे ही इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। वैसे ये क्या आ गया, कार्बन और सिलिकन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल, टू बिकम स्टेबल इट इज इजियर फॉर देम टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तब हम ये पढ़ेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सॉरी अगर कोई एटम उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो क्या करेगा, डोनेट करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कोई एक डोनेट करेगा, कोई एक एक्सेप्ट करेगा, ओके। ऐसे करके वो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि वो आयन्स कन्वर्ट हो रहे हैं, एक डोनेट करते हैं एक एक्सेप्ट करते हैं, तो कैटायन एनायन फॉर्मेशन करके वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये 4 है, किसी और के पास 4 होगा, तो 4-4 कैसे करेंगे, कोई एक को 4 क्यों देना, तो 4-4 वो आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि सोच लो कार्बन का क्या है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक कार्बन एटम वो लेगा, उसका भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 1, 2, 3 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, तो वो स्टेबल हो गया, तो C2 इज स्टेबल, राइट, C2 इज स्टेबल। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, हम बाद में पढ़ने वाले हैं, वैसे भी हम पढ़ने वाले हैं, बस याद रखना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी जो है 5, 6, 7 ये क्या करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस टेक फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन, ये क्या कंटेन करते हैं, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स, वाह, राइट, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट सेल टू बिकम स्टेबल इट इज इजियर फॉर देम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने देंगे, ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे टू फॉर्म क्या, इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस के आसपास जैसे आ जाएंगे वो, ओके। चलो तो सी देखो व्हाट एल्स, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, चलो ये हम पढ़ चुके हैं, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, क्या कौन, 18 ग्रुप एलिमेंट्स या फिर 8 ए ग्रुप्स। तो ये जो 5 है ये कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा भाई, 3, और ये जो 6 है 2, और ये 7 है जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये जो लास्ट में है आर्गन, ये कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है भाई, इनर्ट गैसेस है, याद रखना है हमें, क्या है, इनर्ट गैसेस है, और इनर्ट गैसेस कभी एक्सेप्ट और डोनेट नहीं करते, क्योंकि वो केमिकली स्टेबल होते हैं या फिर केमिकली इनएक्टिव होते हैं, ओके। तो देखो ये 1, 2, 3 है, ये 3, 2, 1 है, इसका बस एक ही क्या है डिफरेंस है, कि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ओके। ये पॉजिटिव में क्यों है, वो डोनेट कर रहे हैं, वह बहुत बार पढ़ चुके हैं, डोनेट एक्सेप्ट ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो 1 to 4 क्या करेगा, 1 up to 4 क्या करेगा, ये भाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, फिर 4 to 0 हो रहा है, तो देखो इसका वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है वैलेंसी, फिर डिक्रीज हो रहा है 3, 2, 1, राइट। तो वैलेंस अगर कोई पूछेगा कि पीरियड में वैलेंसी कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, तो हमें ये लिखना है कि फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0 या फिर 1, जो भी लिख सकते हो, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सेम नंबर, ऑल द ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे हैव द सेम वैलेंसी, देयरफॉर दे हैव द सेम वैलेंसी। तो ग्रुप में अगर हम जाएंगे क्या होगा, वैलेंसी सेम रहेगा, बता चुकी हूँ मैं, देखो वो बार बार हम वही पढ़ रहे हैं। अभी क्या टॉपिक है भाई, एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड ग्रुप, एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड ग्रुप। देखो एटॉमिक साइज का क्या होता है भाई, एटम का साइज होता है, पता है हमें एटम का जो साइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। और एटॉमिक साइज हम कैसे, अगर देखो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिफरेंट है, देखो एटॉमिक साइज तो ये एटॉमिक साइज हो गया, और एटॉमिक रेडियस क्या है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में से टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके। चलो तो एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड
जब हम पीरियड के बाद बोलते हैं क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड, और जब हम ग्रुप बोलते हैं तो डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप नहीं बोलने का और पीरियड में डाउन द पीरियड नहीं बोलने, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, देखो ना, चलो क्या बोली मैं, रेडियस ऑफ एन एटम, देखो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये देखो, देखो भाई एटम, देखो हमें पहले दिक्कत होता था पढ़ने में, अभी इजी हो गया है, राइट। अभी देखो क्या है, सोडियम का क्या है भाई, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना हमें, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। देखो ये जो बीच में आ गया, हमारा बीच का क्या है, वो न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और लास्ट, चलो तो अभी लेते हैं सोडियम, सोडियम क्या क्या होता है भाई, 11 प्रोटॉन्स होता है और 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 11 प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, बीच में, ओके। तो ये जो है, ये क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट सेल दैट इज के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हम एटॉमिक साइज पढ़ रहे हैं, अगर देखो भाई ये अगर सभी का, अगर सब सब एलिमेंट्स का अगर हम ले रहे हैं, देखो ये आ जाता है सोडियम का, ये मैग्नीशियम का, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। देखो ऐसे तो हमें दिखा गया है, वाह दिखने में ऐसा आ रहा है, क्यों ऐसे बड़े होकर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेगा नहीं अगर हम छोटा कर देते, पर एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये तो हो गया, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, इधर क्या है 12 है, 13-14 ऐसे करके है, पर अगर एक्चुअल में देखोगे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। अगर इसका देखो 186, 160, 143, 118, 110, फिर इसका आ जाता है 104, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज होके जा रहा है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई, सोच लो, देखो इधर 11 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 11 प्रोटॉन्स, इधर 12, इधर 13, इधर 14, 15, अगर देखो इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं, वो तुम्हें इजी हो जाएगा, इधर क्या है 11 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा ये जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो इसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, देखो सोच लो, ये जो हमारा सेल्स होता है, जो हमारा सेल होता है ये एक क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, किस चीज़ के लिए ऑब्स्टेकल होते हैं, न्यूक्लियस के लिए ऑब्स्टेकल होता है। देखो ये फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सेकंड सेल में इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थर्ड सेल में और थोड़ा कम हो जाएगा, फोर्थ सेल में और थोड़ा कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होके जा रहा है, कम जब हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लियस और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कंपेयर करते हैं। अभी देखो अट्रैक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है तो एटॉमिक मतलब अट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, लूज करता जाएगा। तो वैसे ही अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन अगर सोच लो, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है राइट, न्यूक्लियस के साथ बाहर ऑर्बिट का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, क्लोज होते जाएगा जब अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और एक्सपैंड होता जाएगा जब अट्रैक्शन क्या करेगा, लूज करेगा। अभी देखो क्या हो रहा है, जो सोडियम होता है उसका 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है राइट, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 11 प्रोटॉन्स है लास्ट सेल को और क्या करता है, अपने तरफ नहीं खींच पाता। अगर इसका सोच लो, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 6 है या फिर 7 है, तो अंदर का न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर इधर ज़्यादा हो रहे तो अभी क्या हो जाएगा, उसका पावर इंक्रीज होगा कि वो अच्छे से अट्रैक्शन कर पाए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रह रहा है पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सेल अगर सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना कि नंबर ऑफ शेल कहाँ में, पीरियड में,
नंबर ऑफ सेल पीरियड में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेल अगर सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए फिर तो देखो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक साइज में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। चलो देखो, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस ऑफ द एटम मेंशन करने के लिए नहीं भूलना है हमें। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट, क्या आ जाता है हमारा, इसका भी 3 सेल है, इसका भी 3 सेल, तो सेम ही है, सेम है, पर क्या हो रहा है भाई, ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज करते जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, देखो रिड्यूस हो गया, प्रोटॉन्स के वजह से क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल तो सेम रह रहा है, पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। एक सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स लाओगे, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दस द पुल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। तो क्या हो रहा है, अगर न्यूक्लियर का चार्ज, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का तो कुछ चार्ज नहीं होता, पर प्रोटॉन्स का तो होता है, प्रोटॉन्स का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो जो पुल है, अट्रैक्शन पुल है, वो क्या करने वाला है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इंक्रीज करने वाला है। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कब हो रहे हैं, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पुल, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, ये पुल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, याद रखना है हमें कि न्यूक्लियर चार्ज है, अगर न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वैसे ही अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, ये होता है हमारा, क्या होता है ना, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का। चलो फिर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। अगर सेवेंथ ए, लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ ए ग्रुप, और सेवेंथ ए में कौन है, हैलोजन्स है, वो अभी हमें पढ़ने के लिए कौन मिलेगा, हैलोजन्स। चलो हैलोजन्स कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन्स है। अभी मैं बोली, क्या बोली स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, पीरियड्स में जब गए थे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स क्या हुआ था, सेम हुआ था, पर अगर हम जब ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मिस हाई से ही पता चल गया होगा कि अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं और एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई, ना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या बोली मैं, अगर नंबर ऑफ सेल्स और सेल्स फॉर्म में क्या बोली अभी, ऑब्स्टेकल्स बोली, तो ऑब्स्टेकल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है लास्ट तक अट्रैक्शन
नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा तो वो क्या होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। चलो इसका क्या है भाई, इसका कितना सेल है, 2, 3, 4, 5 ऐसे सेल्स है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीजेस इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज न्यू सेल्स आर एडेड। बोली ना, न्यू सेल्स एड होता जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही हुआ, हम ग्रुप्स पीरियड्स ये सब के बारे में जान चुके हैं, बाद में पढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।